पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और गृह मंत्री अमित शाह जब जब आमने सामने होते हैं तब तब बातों के ऐसे तीर छोड़े जाते हैं जिससे सियासत का तापमान काफी बढ़ जाता है। फिलहाल कोलकाता का तापमान काफी बड़ा हुआ है क्योंकि अमित शाह बंगाल के दौरे पर हैं। सीएम ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए गृहमंत्री अमित शाह पर जबरदस्त हमला बोला है। साथ ही ममता ने 2024 में बीजेपी की हार की भविष्यवाणी भी कर दी है। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन है। आज अमित शाह यूनेस्को के एक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेने वाले हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में ममता बनर्जी को नहीं बुलाया गया है, जिसकी वजह इन दोनों की आपसी तकरार को माना जा रहा है। बंगाल दौरे के पहले दिन अमित शाह ने ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोला था। सिलीगुड़ी में एक सभा में अमित शाह ने कहा कि चुनाव के बाद बंगाल में जो हिंसा हुई उसके बाद ह्यूमन राइट कमीशन ने भी माना कि बंगाल में कानून का राज नहीं है, बल्कि यहाँ जो सत्ता में है उनकी इच्छा का राज है, जिस पर अब ममता बनर्जी ने भी पलटवार किया है। ममता बनर्जी ने राज्य में कानून और व्यवस्था की तुलना बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश से की है। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों से बंगाल काफी ज्यादा अच्छा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी 2024 में दोबारा सत्ता में लौट कर नहीं आएगी। उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून के भी लागू नहीं होने का दावा किया है। कोलकाता के नेताजी स्टेडियम में बनर्जी ने कहा, शाह ने आरोप लगाए थे कि अगर वो बंगाल गए तो उन्हें मार दिया जाएगा। आज यूपी में अगर लड़कियां इंसाफ मांगने जाती हैं तो पीड़ितों को आरोपी बनाया जाता है, लेकिन यहां हम ऐसा नहीं करते। अगर वे गलत हैं तो मैं अपने खुद के बच्चे और बच्चियों को भी नहीं छोड़ती। आज मैं एक बार फिर अपनी माताओं और बहनों के सामने शपथ लेती हूँ कि मैं मर जाने तक बंगाल के लिए काम करूंगी। बंगाल भारत को रास्ता दिखाएगा। अपनी रैली में अमित शाह ने कहा था कि सरकार कोविड-19 महामारी खत्म होने के बाद CAA लागू कर देगी। इस पर बनर्जी ने कहा, वो CAA के बारे में बात कर रहे हैं क्या? तब PM और मुख्यमंत्रियों को चुनने वाले देश के नागरिक नहीं हैं? CAA बिल खत्म हो गया है, वो इसे संसद में क्यों नहीं ला रहे हैं? मैं नहीं चाहती कि नागरिकों के अधिकारों पर रोक लगे। हम सभी को साथ रहना होगा, एकता हमारी ताकत है। ममता यही नहीं रुकी, उन्होंने अमित शाह के हर बयान पर करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा, मैं कह रही हूं कि वे 2024 में सत्ता में नहीं आएंगे। कोई NRC और NPR और CAA नहीं होगा, उन्हें छिप जाना चाहिए। वो यहां एक साल के बाद आए हैं, वो यहां BSF की राजनीति में घुसपैठ कराने आए हैं। आज भी बंगाल का सियासी पारा काफी गर्म रहने वाला है क्योंकि ममता के वार पर अमित शाह चुप रहने वाले नहीं है। अब देखते हैं कि अपनी इस फजीहत पर अमित शाह क्या कहते हैं। DB Live की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।